हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। जो बेल आइकन है और ये सब्सक्राइब का जो बटन है, इसको तो पहले तो आप प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी आने वाली अपडेट्स है आपको मिलती रही। और ये बेल आइकन साइड में जो होता है, इसको भी प्रेस कर ले दोस्तों। आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन रहे हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहाँ के पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, जो हमारा चैनल है बहुत ही ज्यादा फेमस है किसके लिए, ट्रिक्स के लिए दोस्तों। चाहे वो जीके की ट्रिक्स हो, मैथ्स की ट्रिक्स हो, और दोस्तों चाहे वो कैब को याद करने की ट्रिक्स हो, तो दोस्तों हमारा जो चैनल है ड्रीमर्स, आप उससे जुड़ जाइए। और दोस्तों आपको जो भी ट्रिक के माध्यम से याद करना है, सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर दोस्तों कोई टॉपिक इसमें हमारे चैनल पर नहीं है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको ट्रिक के माध्यम से लेके आएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे कल के करंट अफेयर क्वेश्चन से एक बार उनको हम पहले रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों हम कल के करंट अफेयर क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए और एक बार आपके रिवाइज भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया दोस्तों, ये कब मनाया गया, 11 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस संस्थान के साथ मिलकर आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की है दोस्तों, किसके साथ मिलकर, IIT मद्रास के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, लॉकडाउन के बीच डिजिटल बैंक की को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था द्वारा ट्विटर अभियान शुरू किया गया है दोस्तों, किस संस्था द्वारा किया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यानी कि RBI द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है दोस्तों, किसने किया है यानी कि किस मंत्रालय ने किया है, भारत सरकार की, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की नई प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नियुक्त हुए हैं, को नियुक्त किया गया है दोस्तों, अनामिका राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय अमेरिकी ब्रह्म कंची बोतला का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, वे क्या थे दोस्तों, क्या थे वे, पत्रकार। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करें, जिससे कि जो और बच्चे हैं वो भी करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के सलाहकार समूह में शामिल किया गया है दोस्तों, किसको किया गया है, रघुराम राजन को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8, 10 अप्रैल 2020 को किसकी अध्यक्षता में G20 साधारण ऊर्जा मंत्रियों की आभासी बैठक आयोजित की गई है दोस्तों, किसके किसकी अध्यक्षता में की गई है, अब्दुल अजीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में पद्म श्री शांति हीरानंद चावला का सदस्य यानी कि आप दोस्तों 87 है सदस्य की जगह, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पे, 87 साल की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल थी, किस क्षेत्र में दोस्तों, शास्त्रीय संगीत गायन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म DigiJan लॉन्च किया है दोस्तों, ये किसने किया है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है, इस प्लेटफॉर्म को। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये आपके लिए कोटेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे आप अच्छे से मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जो हमारे कल के करंट अफेयर क्वेश्चन से, अब हम दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 1 से शुरू बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वश्रेष्ठ फोल्क एल्बम द मिसिंग ईयर्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले किस अमेरिकी लोक गायक का हाल ही में निधन हो गया है दोस्तों, एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, सैमुअल रोजर, हिम्बर्ट एरिक, जॉन प्राइन या फिर एडेन रिवर्स। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन प्राइन का हाल ही में निधन हो गया है, जो कि दोस्तों एक अमेरिकी लोक नायक थे। दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नोट कर लेते जोर से लें एक जगह दोस्तों, आप इनको सभी को नोट कर ले, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहे, आप इनको बार बार रिवाइज कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस के
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। टी राजा, अवनी खन्ना, पराग राजा या फिर परमेश कांजूर। आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है अगर आपको पता है तो। दोस्तों जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पराग राजा को नया क्या बनाया गया है, मुख्य अधिकारी बनाया गया है। किसका? AXA लाइफ इंश्योरेंस का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों जो AXA यानी कि जो लाइफ इंश्योरेंस है ये, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 2008 में, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। और दोस्तों जो के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी है वो कौन है, संजीव श्रीनिवासन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों थ्री। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया? एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, 12 अप्रैल को, 13 अप्रैल को, 8 अप्रैल को या फिर 10 अप्रैल को। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 12 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों फोर। हाल ही में लॉन्च द विजनर्ड सीरीज सीजन वन पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक है, प्लीज इसको नोट जरूर कर ले। डैनियल रोड्स तथा जैमी मरे, कोबी ब्रायंट तथा वेस्ले किंग, रोजर फेडर तथा सी चुन विंग या फिर सचिन तेंदुलकर तथा सौरभ गांगुली। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोबी ब्रायंट तथा वेस्ले किंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये दोस्तों इस बुक के लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है, ट्रिक की वीडियोस हैं, उनको आप जाके चेक कर सकते हैं, सभी वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, गोल्डमैन सच्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 3.3% से घटाकर कितना कर दिया है? एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, 1.5%, 2.5%, 1.6% या फिर 2.1%। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.6%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। और दोस्तों जो ये जो यानी कि संस्था है गोल्डमैन सच, इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1869 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसके चेयरमैन और CEO कौन है, डेविड एम सोलेमोन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों ये जो स्टडी GK मैं आपके लिए लेके आता हूँ, ये दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, आप प्लीज इनको मत छोड़िए, इनको भी नोट जरूर कर लिए अपनी नोटबुक में, जिससे कि आपको ये भी अच्छे से याद रहे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय रेलवे की कोच रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल में किस नाम से एक मोबाइल डॉक्टर बूथ लॉन्च किया है? दोस्तों किस नाम से किया है, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, एस्पर्स, परख, चरक या फिर व्रज। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चरक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों सेवन। 9 अप्रैल 2020 को किस संस्था द्वारा प्ले ट्रू डे मनाया गया? दोस्तों ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, फीफा, वाडा, वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन या फिर BCCI। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाडा ने इसको मनाया है। किसको मनाया है, प्ले ट्रू डे को। कब मनाया गया है दोस्तों, 9 अप्रैल 2020 को। और दोस्तों इसके बारे में कुछ स्टडी GK है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में, इसकी थीम क्या रही यानी कि इसका विषय क्या रहा इस दिन का, जो इस दिवस का विषय रहा वो क्या रहा, प्ले सेफ ऑन प्ले ट्रू डे 2020, ये दोस्तों इसका विषय रहा। और वाडा की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में, और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में, जो कि कनाडा में पड़ता है। और दोस्तों इसके प्रेसिडेंट का क्या नाम है, विटोल्ड बांका, ये दोस्तों इसके प्रेसिडेंट का नाम है। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों एट। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, रवि शेखर को, विपिन कानू को, RV वर्मा को या फिर चक्रवर्ती अजय भारती को। तो दोस्तों आप बताइए मुझे इसका आंसर क्या हो सकता है, जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RV वर्मा को इनका गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। किसका, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों, और दोस्तों जो AU यानी कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ये होते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में, और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर में, और इसके MD एंड CEO कौन है, अजय अग्रवाल, संजय अग्रवाल सॉरी।
चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने टॉकबैक नाम से एक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया है दोस्तों? ये किस कंपनी ने किया है, गूगल ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, फेसबुक ने या फिर एप्पल ने? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल ने दोस्तों इस कीबोर्ड को लॉन्च किया है। कौन से को? वर्चुअल ब्रेल को। उसका नाम क्या है? टॉकबैक दोस्तों उसका नाम है। दोस्तों एक बार पढ़ लेते हैं, गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना दोस्तों 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में हजारी लाल रघुवंशी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह क्या थे? एक अभिनेता थे, एक राजनेता थे, एक पत्रकार थे या फिर एक गणितज्ञ थे? आप बताए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों वो एक राजनेता थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आपको कुछ किसी भी चीज को ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो दोस्तों हमारा जो चैनल है या प्लेटफॉर्म है ये बहुत ही बेस्ट है आपके लिए। और दोस्तों अगर आपको कोई आपका कोई सजेशन है या फिर आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो दोस्तों हमें बताएं, हम उस पर ट्रिक लेके आएंगे दोस्तों आप, जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच।